हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन डेटा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मैंने आप लोगों से ट्विटर के ऊपर पूछा था कि आप Xiaomi Redmi Note 5 ऑन 9 लाइट और स्मार्टफोन टी फोन के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखना चाहते हैं। और मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोगों ने इग्नोर किया स्मार्टफोन के टी फोन को, तो हम भी इसको इग्नोर करते हैं और करते हैं एक क्विक कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन्स का। तो पहली बात, अगर हम बात करें दोस्तों डिज़ाइन की, और अगर आपको फ्लॉन्ट करना है अपना स्मार्टफोन, क्योंकि जनरली कोई भी जो भी नया स्मार्टफोन खरीदते हैं उसको फ्लॉन्ट तो करते ही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनर 9 लाइट काफ़ी ब्यूटीफुली डिजाइन स्मार्टफोन है। हालांकि अगर आप कंपेयर करेंगे रेडमी नोट 5 से, तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली रेडमी नोट 4 का ही डिज़ाइन आपको देता है पीछे की तरफ से। मतलब पॉइंट ये हो गया कि अगर आपने नया स्मार्टफोन खरीद भी लिया तो भी किसी को पता नहीं चलना है, क्योंकि Redmi Note 5 Pro का डिज़ाइन कम्प्लीटली डिफरेंट है। और अगर आपका बजट आपको अप्रूव करता है 15,000-17,000 के प्राइस रेंज में, तो आप उस फोन को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सब 10,000 प्राइस रेंज में, 10,000-11,000 के प्राइस रेंज में देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर ऑनर 9 लाइट मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है। हालांकि नोट 5 में आपको मिलता है मेटल बॉडी जो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, लेकिन अगर आपको लुक्स, डिज़ाइन, स्टाइल, फॉर्मेट अगर वो देखना है, तो यहाँ पर ऑनर 9 लाइट एक्चुअली एक बेटर स्मार्टफोन है। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिल जाते हैं फुल व्यू, मतलब ऑल व्यू डिस्प्लेस, जहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फ्रंट साइड में काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट अगर आपको ज़्यादा स्क्रीन रियल शेड चाहिए, तो यहाँ पर नोट 5 में आपको मिलता है 6 इंच का डिस्प्ले और यहाँ पर आपको मिलता है 5.65 इंच का डिस्प्ले। लेकिन अगर आप मुझे ज़्यादा ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं, आपको पता ही है कि मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन है पिक्सल 2, और इसके पीछे एक प्राइमरी रीज़न ये है कि मुझे वन हैंड फील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हाथ से अगर मैं सब कुछ ऑपरेशंस कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उस बाबत में यहाँ पर ऑनर 9 लाइट भी मेरे लिए वन हैंड फील के लिए एक्चुअली बेटर स्मार्टफोन है। अब अगर हम बात करें बैटरी की, तो दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करेंगे, तो यहाँ पर ऑनर 9 लाइट क्लियरली इस सेक्शन में हार जाएगा रेडमी नोट 5 से। रेडमी नोट 5 के अंदर आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी, और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है 3000 mAh का बैटरी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी बैटरी 2 दिन तक चली जाएगी। मतलब एक टेक्निकली एक टैंक है, तो जिसको भी अगर बहुत ही ज़्यादा बैटरी इंपॉर्टेंस चाहिए, तो Redmi Note 5 उनके लिए बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों वावे अपना या फिर ऑनर अपना किरेन 659 का प्रोसेसर लेके आया है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा स्नैपी है, थोड़ा फास्टर है अपने Xiaomi Redmi Note 5 स्मार्टफोन से। और ये इसीलिए क्योंकि काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, और खुद का ही हार्डवेयर है, खुद का ही सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने काफ़ी हद तक इसको ऑप्टिमाइज़ करके परफॉर्मेंस पे आपको बेटर दिया है। और एक प्रॉब्लम मुझे जो लगी Redmi Note 5 स्मार्टफोन के अंदर, वो ये थी, इनफैक्ट Redmi Note 5 Pro के अंदर भी मुझे यही लगी है, और वो ये है कि इसके अंदर ऐप्स कभी कभार क्रैश होते हैं, और इसके अलावा मुझे अपने WhatsApp के मैसेजेस काफ़ी डिलेड आते हैं, या फिर जब तक मैं ऐप को ओपन नहीं करता हूँ वो नोटिफिकेशन मुझे मिलते ही नहीं है। और ये इसीलिए क्योंकि इसका रैम मैनेजमेंट इतना बढ़िया नहीं है, और बैटरी बचाने के बाबत में सारे एप्लीकेशन को फोरक्लोज करते रहता है, और इससे क्या होता है कि आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं है। अगर आपको, मुझे लगा कि यार 1-1.5 घंटा हो गया, अब तक कोई WhatsApp का मैसेज क्यों नहीं आया, और मैं जब जाकर देखता हूँ तो ऑलरेडी मैसेजेस थे, लेकिन वो लोड ही नहीं हो क्योंकि ऐप कंप्लीटली क्लोज था। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही ऑप्टिमाइजेशन है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। इसके बाद अगर हम बात करें उसी बात पर सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर Xiaomi आपको देता है MIUI 9, और ये इसीलिए क्योंकि आपको जनरली एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं चलेगा। Xiaomi स्मार्टफोन्स में आपको क्लियरली पता नहीं चलता है, हालांकि इस फोन के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉयड नगर, जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि 2018 आ चुका है, आप लेटेस्ट 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले भी लेके आए हो इस स्मार्टफोन के अंदर, तो एंड्रॉयड नगर क्यों दे रहे हो भाई, एंड्रॉयड ओरियो दे ही देते। लेकिन अब कुछ समय के बाद हमें पता चलेगा कि बहुत ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है, वो रहेगा एंड्रॉयड ओरियो इसके अंदर। हालांकि ओरियो की अगर हम बात करें, तो ऑनर 9 लाइट के अंदर आपको ओरियो मिल ही जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, और इसके ऊपर आपको मिलता है इनका खुद का इमोशन UI, जो इनका खुद का एक सिंप्लीफाइड UI है, जिससे आपको अलग एक एक्सपीरियंस मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की, तो यहाँ पर कैमरा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस ऑनर 9 लाइट के अंदर आपको मिल जाते हैं 4 कैमरास, 2 पीछे की तरफ 2 सामने की तरफ। कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत गिमिकी है, लेकिन जिसको ज़्यादा सेल्फीज़ इंपॉर्टेंट है, उनको मेरे हिसाब से ऑनर 9 लाइट बेटर लगेगा, क्योंकि जो मैंने कैप्चर किए थे सेल्फीज, इसमें इनफैक्ट आपको बोके मोड भी मिल जाता है ऑनर 9 लाइट के अंदर, मतलब सब 10,000 या फिर 11,000 प्राइस रेंज में आपको वो मिल जाता है, जो आपको रेडमी नोट 5 प्रो में मिलेगा, रेडमी नोट 5 में नहीं मिलेगा। इसका कैमरा, फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ रेडमी नोट 5 से। मुझे ये समझ में भी नहीं आता कि Xiaomi ने रेडमी नोट 5 लॉन्च ही क्यों कर दिया। नोट 4 को ही वो कुछ नोट 4 2018 लॉन्च कर देते, पता नहीं नोट 5 क्यों लॉन्च किया, क्योंकि नोट 5 प्रो और नोट 5 में काफ़ी हद तक डिफरेंसेस है। और कैमरा के डिपार्टमेंट में क्लियरली अगर हम देखेंगे, तो ऑनर 9 लाइट क्लियरली एक विनर स्मार्टफोन है।
रियर कैमरा में थोड़ा हद तक नोट 5 का भी प्रोसेसिंग काफ़ी बढ़िया है इस बार, ना ही सिर्फ फ्रंट में ऑब्वियसली ऑनर 9 लाइट बेटर है, लेकिन रियर में ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट लो लाइट में नोट 5 भी काफ़ी बढ़िया काम कर लेता है। और इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कैमरा की, डिज़ाइन की और एक सिंपल UI की, तो ऑनर 9 लाइट एक बेटर स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आपको चाहिए बहुत ही बढ़िया बैटरी, फिर नोट 5 आपके लिए है। अब मैं उठाता हूँ कुछ सवाल जो आपने मुझे ट्विटर के ऊपर पूछे थे। यहाँ पर पहला सवाल है सुदीप्त घोष का, और वो पूछते हैं विच वन वुड बी अ बेटर वैल्यू फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई थिंक वैल्यू फॉर मनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑनर 9 लाइट इज समथिंग बेटर, बिकॉज इट ऑफर्स यू एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट अ गुड बैटरी स्मार्टफोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रीशा हेगड़े, और ये पूछते हैं विच वन इज अ बेटर रेडमी नोट 5 प्रो और द 9 लाइट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड कैमरा, प्लीज रिव्यू। आई एम नॉट डूइंग अ कंपैरिजन ऑफ द नोट 5 प्रो वर्सेस द 9 लाइट, बट इफ यू क्विकली आस्क मी आई वुड से नोट 5 प्रो इज लॉट बेटर देन द 9 लाइट, बिकॉज अगेन दे आर डिफरेंट इन द प्राइस सेगमेंट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रतीश सांखे, और वो पूछते हैं प्लीज डू कंपैरिजन बिटवीन द MI A1 वर्सेस द नोट 5 प्रो, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आई थिंक रतीश, इट डजंट मेक सेंस बिकॉज MI A1 वॉज अ काइंड ऑफ यू नो not a great product, I would personally say, and Redmi Note 5 Pro is actually a lot better. So clearly we know that the latest smartphone is an actual winner. Linik Nick, do these phones have some heating issues on heavy gaming? I did try to play some games, the Dead Trigger 2 on this phone, the Note 5 and the Honor 9 Lite. They were not much of a heating issues, but I do recall that when I was using the Note 5 and doing a few WhatsApp video calls, the phone did heat up to a good amount extent. I mean, it didn't really burn out, but yeah, it did heat up. The next question is from Keshav Kumar, aur ye puchte hain which phone has better quality and more solid feel, the Honor 9 Lite or the Redmi Note 5. If you talk in terms of quality, in terms of physical quality, then I think the Note 5 is better because it has this metallic body. But then if you are going to always use a case, then it doesn't matter. But in terms of the beautiful looks, you can notice the looks are pretty beautiful and premium looking when compared, and the Note 5 Lite actually loses in terms of design with the Honor 9 Lite. The next question is from Sneji Throy. Redmi Note, what is its Android version? Maine already bata diya, iske andar aapko milta hai Android Nugget and not on Android Oreo out of the box. Arif Mondal asks, which portrait camera is best? भाई कभी कोलकाता आओ, रसगुल्ला खाए वो, मतलब रसगुल्ला खाएंगे मेरे हिसाब से, आपने वही पूछा है। इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट मोड्स द Honor 9 Lite is actually better because it has a dual camera sensor and that gives you a depth effect which is far more better than a single camera on the Redmi Note 5. Apurva Gaurav saying, which phone's camera does the best job? As I just mentioned, the Honor 9 Lite does a better job. I just missed answering Kolkata's point of Arif. Yes, we are planning to do a lot of meetups this year and we are going to do a lot of research around it and then come down to different places and meet you guys. Then the final question, Saran Singh says, sir, Honor 9 Lite le lo 11,000 wala ya phir Note 5 Pro lo 14,000 wala, please help me. Saran, it clearly depends. Agar aapke paas budget ka koi problem nahi, fir aap ja sakte Redmi Note 5 Pro ko, kyunki Redmi Note 5 Pro kafi better hai Honor 9 Lite ke comparison mein, kyunki Note 5 ke Pro ke compare mein Honor 7X आएगा, ना ही 9 Lite. 9 Lite actually 10,000 price range के smartphones के साथ compare हम लोग कर सकते हैं, तो budget का कोई issue नहीं है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों मुझे बताइए कि आपकी demand क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं मेरे अगले video में, हो सकता है ये MI TV के बारे में, या फिर Honor 9 Lite को किसी और स्मार्टफोन के साथ comparison, या फिर Redmi 5 Pro, Note 5 Pro को किसी और के साथ कंपेरिजन, तो आप नीचे कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। और स्टे ट्यून्ड रहिए फोन रैंक के ऊपर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।